हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक ज्ञान पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने हैं ढेर सारी नई टेक अपडेट्स के बारे में। और मैं आपको टेक अपडेट्स बताना शुरू करूँ इससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही में बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो एंजॉय कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट्स निकल के आई है आज। तो जो पहले अपडेट निकल के आई है वो है जोमेटो इंडिया के बारे में। जी हाँ, जोमेटो इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि उनकी यूज़र्स की जो गोल्ड मेंबरशिप है वो ड्यू टू लॉकडाउन के चलते वो 4 महीने के लिए एक्सटेंड करने वाला है, ताकि जो लोग भी ये लॉकडाउन में जो रेगुलरली पार्सल मंगवाते थे खाने पीने का, जो लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिला है वो उनको आगे जाके मिल पाए। क्योंकि हालांकि इंडिया में 2 महीने से तकरीबन सब जगह पर बिजनेस बंद ही है, टोटल लॉकडाउन था, तो इसी वजह से जोमेटो इंडिया ने 4 महीना गोल्ड मेंबरशिप एक्सटेंड कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है जो लोग जोमेटो इंडिया की गोल्ड मेंबरशिप के मेंबर्स हैं उनके लिए। तो अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हुआवे की तरफ से। जी हाँ, हुआवे के फ्री बड्स 3 इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर किरिन 1 चिपसेट लगा हुआ है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, स्टूडियो साउंड क्वालिटी है और साथ ही में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुए हैं 12,990 में और वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल होने वाले हैं 20 मई से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है देख लेना 20 मई के बाद आपको परचेस करना है कि नहीं करना। हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, कम होना चाहिए, बट ठीक है, देखते हैं कि अभी उसके साथ कोई ऑफर निकल के आता है जब 20 मई का लॉन्च होता है तब। तो अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रियलमी के बारे में। जी हाँ, रियलमी टोटल 8 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर शायद हो सकता है रियलमी X3 हो, X3 सुपर जूम हो, रियलमी TV हो। ये 3 तो वैसे भी इंडिया के रियलमी सपोर्ट पेज के ऊपर लिस्ट हो ही चुके हैं। साथ ही में एक रूमर आया है कि रियलमी का एक गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है जो शायद 25 मई को ही लॉन्च हो सकता है। ये जितने भी प्रोडक्ट है सब 25 मई को ही चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। तो जैसे ही लॉन्च हो गए उसकी सारी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ, ओप्पो इंडिया के अंदर लॉन्च करने जा रही है उसकी नई सीरीज़ फाइंड X2 को। जी हाँ, ये खुद ओप्पो इंडिया के ट्विटर हैंडल पे ये अपडेट आया है आज कि ओप्पो ये बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। और साथ ही में ये रूमर है शायद कि मे बी नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट वीक के अंदर ओप्पो ये दोनों ही एक्स सीरीज़ के स्मार्टफोन लेके आ जाएगा, ओप्पो फाइंड X2 और साथ ही में दूसरा जो मॉडल होगा वो है ओप्पो फाइंड X2 प्रो। तो देखते हैं कि कौन सी डेट को ये लॉन्च कर रहा है ओप्पो और क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये मोबाइल आने वाला है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रेडमी की तरफ से। रेडमी की तरफ से एक अपडेट निकल के आई है, कंफर्म नहीं है बट एक अपडेट निकल के आई है कि रेडमी शायद बहुत जल्द चाइना के अंदर एक 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 चिपसेट लगा होगा। तो देखते हैं कि कब तक और कौन से टाइम पे लॉन्च करती है और कौन सा मॉडल रहता है, क्योंकि आजकल ये चाइनीज़ कंपनियों ने बहुत सारे रीब्रांड रीनेम करके फ़ोन्स निकलना शुरू कर दिए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है डायमेंसिटी 800 चिपसेट के साथ। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मोटोरोला ने जब मोटो एच प्लस स्मार्टफोन फ्लैगशिप फ़ोन जो उन्होंने लॉन्च किया था, तब ये नहीं कहा था कि इसके अंदर एंड्रॉयड की अपडेट्स आएगी या नहीं आएगी, बट हालांकि अब उन्होंने ये रिवील कर दिया है कि मोटोरोला एच प्लस के अंदर 2 OS अपडेट एंड्रॉयड की आएगी, यानी कि 2 जो वर्जन है एंड्रॉयड के वो उसमें मिलने वाला है, यानी कि एंड्रॉयड 11 और मे बी एंड्रॉयड 12। हालांकि काफ़ी सारी कंपनी है जैसे कि वीवो है, कभी कभी वो लोग सिर्फ एक ही एंड्रॉयड OS अपडेट देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है यार, 2 अपडेट दो यार, क्या करते हो, कस्टमर से आपके लॉयल कस्टमर से मार्केट के अंदर उनको ये अपडेट देना चाहिए, एटलीस्ट 2 अपडेट्स तो देना ही चाहिए। जैसे एप्पल की एक अच्छी बात मुझे लगती है कि वो कम से कम 2 अपडेट्स तो अपने स्मार्टफोन में अपने आईपैड डिवाइस के अंदर देती ही है। देखते हैं अभी क्या होता है जब मोटोरोला मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन लेके आता है और सही में 2 अपडेट्स देता है कि नहीं देता है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है प्लेस्टेशन 4 के बारे में। जी हाँ, प्लेस्टेशन 4 पूरे दुनिया के अंदर 110 मिलियन यूनिट जो सेल कर चुका है सोनी प्लेस्टेशन 4 के,
ये बहुत अच्छी बात है कि यानी इससे पता चलता है कि काफ़ी लोग हैं जो गेम के शौकीन है। हालांकि अब तो ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बट PS4 में भी खेलना एक अलग बात है। हालांकि ये 110 मिलियन क्रॉस करने में सोनी को 6.5 साल लग गए। जी हाँ, 15 नवंबर 2013 में ये US में पहली बार लॉन्च हुआ था और नवंबर एंड तक 23rd तक 2013 में ये बाकी सब रीजन के अंदर एशिया में, यूरोप में, सब जगह लॉन्च हुआ था। हालांकि ये परचेज़ करना सबकी बात नहीं है क्योंकि इसमें मोबाइल स्मार्टफोन की तरह सभी गेम्स फ्री नहीं होती है, ठीक है, बट फिर भी 110 मिलियन क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है सोनी के लिए। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ऑनर की तरफ से। जी हाँ, ऑनर दुनिया का पहला ऐसा टैबलेट लॉन्च करने जा रहा है जिसके अंदर 5G कनेक्टिविटी और Wi-Fi 6 स्टैंडर्ड दोनों ही अवेलेबल है और ये 18 मई को ही लॉन्च करने वाली है। और साथ ही में एक अपडेट जो है वो आपको पता ही है कि 20 मई को ऑनर X10 लॉन्च करने वाला है जो अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो देखते हैं दोनों प्रोडक्ट क्या निकल के आते हैं, कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ निकल के आते हैं। अगली जो अपडेट निकल के आई है वो है वीवो के V19 के बारे में। जी हाँ, 2 दिन बाद यानी कि 15 मई को वीवो V19 का सेल स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी वीवो के फ़ैन है, जो भी सेल्फी और वीडियोस जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोग 2 दिन का ही इंतज़ार है बस अभी, फिर 15 मई से आप ये परचेज़ कर पाओगे। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है शाओमी की तरफ से। जी हाँ, 2-3 दिन पहले ही ये अपडेट आई थी कि शाओमी Wi-Fi 6 सब स्टैंडर्ड वाला राउटर लॉन्च करने वाला है जो आज लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, AX1800 जो उसका मॉडल नंबर है मी राउटर का विथ Wi-Fi 6 स्टैंडर्ड, वो लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, जिसकी प्राइस रखी गई है 299 युआन, यानी इंडिया के हिसाब से तकरीबन 3,200 के आसपास इसकी प्राइस होने वाली है। अगर ये इंडिया में आता है तो इसकी जो मैं एक बात मुझे जो पसंद आई है, विदाउट एंटीना इसकी डिज़ाइन है और बहुत सुपर कूल डिज़ाइन है इसकी। अगर ये इंडिया के अंदर जैसे ही आता है, आई एम श्योर मैं इसको बाई ज़रूर करूँगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ऑनर के X10 के बारे में। जी हाँ, एंड ऑनर X10 के अंदर 90 हर्ट्स का डिस्प्ले होने वाला है, रिफ्रेश रेट होने वाला है और 120 हर्ट्स टच सैम्पलिंग रेट होने वाला है। और साथ ही में उसकी कुछ प्राइस भी निकल के आई है वेरिएंट के हिसाब से। जो उसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 4GB 128GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस रखी गई है 2299। फिर आता है 6GB 128GB स्टोरेज का था, जिसकी प्राइस रखी गई है 2599 युआन। थर्ड वेरिएंट जो उसका आता है 8GB 128GB स्टोरेज का था, जिसकी प्राइस रखी गई है 2899 युआन। और जो उसका लास्ट वेरिएंट है 8GB+256GB स्टोरेज का था, जिसकी प्राइस रखी गई है 3199 युआन। तो देखते हैं कि ये रूमर सही है या गलत, वो लॉन्च की डेट पे पता चल ही जाएगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आईकू के Z1 के बारे में। जी हाँ, जो मीडिया टेक के Dimensity 1000+ के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होने वाला है और 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो 19 मई को लॉन्च होने वाला है, उसकी जो कलर अवेबिलिटी है यानी कि जो उसके कलर ऑप्शन है वो लीक हो गया है, जो आप स्क्रीन पे देख ही पाओगे। बहुत ज़बरदस्त और सही में बोलूँ तो एकदम सिंपल, सॉबर और सेटल कलर लग रहे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया है। देखते हैं कि जब मार्केट में आता है तो कौन सी प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च होता है। हालांकि रूमर्स के हिसाब से इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो करीबन 25-26,000 के आसपास लॉन्च होने वाला है। तो 19 मई को हम देख लेंगे कि क्या लॉन्च होता है और इसके लिए मैं आपको वीडियो भी लेके आ ही जाने वाला हूँ। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है वीवो के Y70s के बारे में। जी हाँ, Y70s दुनिया का ऐसा पहला फ़ोन बनने वाला है जो सैमसंग का एक्जिनॉस 880 5G चिपसेट के साथ आने वाला फ़ोन होने वाला है। आजकल ये कंपटीशन बहुत लगा हुआ है मार्केट के अंदर कि सभी कंपनियां वो इंतज़ार में रहती है कि कौन सी कंपनी उसका कोई नया चिपसेट निकाले और हम उसके साथ उसी चिपसेट के साथ वर्ल्ड में सबसे पहले ही वो लेके आ जाए। तो वैसे ही एक वीवो की तरफ से भी अभी अपडेट आ ही गई है, तो देखते हैं कि ये फ़ोन मार्केट में कब तक आता है। तो अब जो आखिरी अपडेट निकल के आ रही है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से। जी हाँ, इंस्टाग्राम अब बहुत ही जल्द एक फीचर रोल आउट करने वाला है कि आपकी अगर पब्लिक प्रोफाइल है, आप फेमस हो कहीं, आपका जो अकाउंट है वो काफ़ी फेमस है, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है,
तो आपके अकाउंट में कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट के ऊपर बहुत सारी गलत कमेंट्स भी आती है, तो आप उस कमेंट्स को अभी बल्क के अंदर आप डिलीट कर पाओगे, यानी कि अप टू 25 कमेंट्स आप सिलेक्ट करके एक साथ उसको डिलीट कर पाओगे। और साथ ही में उस अकाउंट को जिस बंदे ने ये ऐसी कमेंट की है उसे आप रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भी वहीं से कर पाओगे। और जो और एक अपडेट जो इंस्टाग्राम देने वाली, हालांकि वो अभी नहीं आने वाला है, वो है पॉजिटिव कमेंट को हाईलाइट करा, यानी कि एक पिन कमेंट का ऑप्शन देने वाली है इंस्टाग्राम, जिस पे अभी बहुत जल्द कंपनी ने काम शुरू करने वाली है टेस्टिंग का। और साथ ही में और एक जो तीसरा ऑप्शन जो फीचर इंस्टाग्राम हमें देने वाली है वो है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा बंदा आपको टैग करे या कौन सा बंदा आपको मेंशन करे कि ना करे। उसमें तीन तरह के ऑप्शन रहने वाला है कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हो वो सब आपको टैग कर पाएंगे, दूसरा जो आप जिन जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही लोग आपको टैग कर पाएंगे, और तीसरा कोई भी नहीं। तो देखते हैं कि ये सारे फीचर्स बहुत सही है इंस्टाग्राम के लिए, तो ये कब तक इंस्टाग्राम में आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे मैं आपको उस वक्त भी अपडेट अगेन दे ही दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को एन्जॉय कर पाओ। थैंक यू।